दिल से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु नु जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। चौथे गुरु नानक गुरु रामदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं, कितनी न्यारी पंक्तियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु नु जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई, जैसी भावना तैसा फल। जैसी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास हम गुरु पर रखेंगे, अपने सतगुरु पर रखेंगे, वैसा फल पालेंगे। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कहती है सतगुरु वड्डा करसा लाहिए, कि अपने गुरु का सिफ्त सलाह कर पर बड़ा बताकर, जितना बड़ा तू बता सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जैसी भावना से तू उसका सिफ्त करेगा, वैसा फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज राम राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु करोड़ों बार करते हैं। कबीर जी के घर वाली लोई ने चार बार राम कहकर कोड़ी का कोड़ दूर कर दिया, और कबीर जी उस पर भी नाराज हो रहे हैं कि चार बार राम क्यों कहा, एक बार राम कह के क्यों नहीं ठीक किया। उनकी सोच में एक बार राम कहने का फल कितना है, उन्हें विश्वास है कि एक बार राम कहकर किसी का रोग ठीक कर सकते हैं। राम नाम की ताकत पर उनका निश्चय और हमारा निश्चय, जमीन आसमान का फर्क है। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। हरिमंदर साहब जाते हैं, जहां पर लोग पैर धोते हैं, चरण धोते हैं, कई लोग वहां से अमृत समझकर उसे पीते हैं, बूंदे लगाते हैं, उसे अपने माथे पे लगाते हैं, और कोई कहते हैं गंदा पानी है। जैसी भावना तैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सरोवर को भी कहते हैं पानी, और जिनका विश्वास है स्नान करके ठीक होकर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोई। हमारे मन में जैसी भावना होगी कि मेरा गुरु इतना बड़ा है, वैसा फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही गहरा। क्योंकि हमारी नजरों में गुरु बहुत छोटा बना के रखा है हमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर बाणी पढ़ो, ओंकार आद कथनी अनाद। अच्छा कहते हैं, उसकी सिफ्त लिखी ही नहीं जा सकती, इतना बड़ा है वो, कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं बोल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।